आज मैं ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के आज तक के सबसे ज्यादा तगड़े मॉड्स। कुछ ऐसे मॉड जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और कुछ ऐसे मॉड जो कि बहुत ज्यादा फनी है। चलो करते हैं इस वीडियो को सीधा स्टार्ट। तो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम अपना प्यारा हॉर्स यूज कर लेते हैं, एंड अगर हम पानी के अंदर होते हैं तो अपनी बोट यूज कर लेते हैं, एंड कभी कभी तो इवन पैदल घूमते फिरते चले जाते हैं। लेकिन यार ये तो बहुत ज्यादा पुराने मेथड्स है, आज मैं आपको एकदम कूल मेथड्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे तगड़े तगड़े कूल कूल एकदम रंग बिरंगे स्केटबोर्ड्स। वेल, इस मॉड का नाम है आई वांट टू स्केट, बड़ा ही अजीब नाम है। और इस वाले मॉड में हमारे पास यार काफी ज्यादा तगड़े तगड़े स्केटबोर्ड्स आ जाते हैं जिनके ऊपर आपको जाके मस्त पैर रखना होता है और फिर इसको फुल स्पीड में भगा देना होता है। और इनकी स्पीड तो यार काफी ज्यादा मस्त होती है, इवन यहाँ पे आप मस्त वाले स्टंट्स भी मार सकते हो। और एक मिनट, हाँ पहले हेलमेट पहन लेते, कहीं चोट लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टंट मारने के लिए आपको मस्त फुल स्पीड में जाना पड़ता है। और ये देखो जरा भाई कितना ज्यादा एपिक स्टंट मार रहा है, मस्त फ्लिप भी मार लेता है यार ये हवा के अंदर। अब ये स्केटबोर्ड यार हवा में से तो टपकेंगे नहीं, इसलिए हमारे पास ये तगड़ा सा नया विलेजर भी है और इसको भी स्केटबोर्ड करना कुछ ज्यादा ही पसंद है मुझे लग रहा है। इसके पास जाओगे अगर आप एमरल्ड्स लेके तो आप इससे कोई भी आइटम इजिली ट्रेड कर सकते हो। और इवन यहाँ पे भाई एनर्जी ड्रिंक भी है, इसको पीकर अगर आप स्केटबोर्डिंग करोगे तो भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ी स्पीड हो जाएगी, एंड स्टंट तो एकदम नेक्स्ट लेवल वाला मारता अपना बंदा। और ये कोई ऐसा वैसा स्केटबोर्ड नहीं है, इसको आप पानी के अंदर भी चला सकते हो, एंड अगर आपको पानी के अंदर मजा नहीं आ रहा है तो आप पानी के ऊपर भी सर्फिंग कर सकते हो इस स्केटबोर्ड से। और सामने कोई मॉब वगैरह आता है तो उसको बिल्कुल खत्म ही कर देता है ये। और यहाँ के तो स्केलेटन भी स्केटबोर्ड करते हैं, बहुत एपिक, तालियां हो जाए इस मॉड के लिए। तो दोस्तों माइनक्राफ्ट को अकेले खेलते खेलते आप बिल्कुल बोर हो चुके होंगे, इसलिए इस वाले मॉड में मैं माइनक्राफ्ट में यूट्यूबर्स डालने वाला हूँ। जी हाँ, यूट्यूबर्स जैसे कि टेक्नो गेमर्स, लॉगी या फिर बीस्ट बॉय शुभ, ये आपके वर्ल्ड में ऐसी मस्त घूमते रहेंगे उधर उधर। जैसे कि कभी केव में जाओ आपको वहाँ पे टेक्नो गेमर्स मिल जाएंगे, या फिर किसी विलेज में जाओ आपको वहाँ पे बीस्ट बॉय शुभ मिल जाएगा, एंड अगर आप इनके पास जाते तो आपको कुछ भी नहीं करते हैं, बट जैसे ही आप इनको मारते हो ना ये आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज देते हैं। ऑल्सो इनको मारने पे आपको एकदम ओपी वाली चीजें भी मिलती है, जैसे कि टेक्नो गेमर्स को हम यहाँ पे इजिली पेल देते हैं, मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर पेल देते हैं, तो यहाँ पे हमें मस्त वाला एकदम चक्कू मिलता है जिसकी मदद से आप किसी भी मॉब को मारोगे ना भाई साहब थंडर वंडर निकलेगी और मॉब वहीं पे खत्म हो जाएगा। एंड ये देखो चपाती भाई भी यहाँ पे घूम रहे हैं, इनको भी एकदम मस्त तरीके से पेल देते हैं और इनको पेलने पे हमें चपाती मिली है, एंड इसको खाने पे आपको मस्त वाली ओपी पावर्स मिल जाएगी। और वैसे ये देखो यहाँ पे मिथपैड भी खड़े हुए हैं, एंड इनको मारने पे आपको मिलेगी एकदम बड़ी सी स्वॉर्ड, एकदम मिथपैड जितनी लंबी, एंड इससे आप बुलेट शूट करके किसी को मार भी सकते हैं। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट यूट्यूबर है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो माइनक्राफ्ट में हमारे पास यहाँ पे दो कैरेक्टर्स होते हैं, पहला अपना प्यारा सा स्टीव और दूसरी ये एलेक्स। मुझे तो पर्सनली स्टीव काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ये दिक्कत है कि हमेशा हम स्किन चेंज कर लेते हैं और स्टीव को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, इसलिए आज मैं माइनक्राफ्ट में दोबारा स्टीव डालने वाला हूँ। और इस मॉड का नाम है लॉट मोर स्टीव, जो कि माइनक्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा वियर्ड वियर्ड स्टीव डाल देता है। ये देखो भाई स्टीव ऐसा दिखता है जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, या फिर अगर आपको मोटा वाला स्टीव चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, और इवन आपको पांडा वाला स्टीव चाहिए वो भी यहाँ पे है भाई। चलो ये वाला तो बिल्कुल नॉर्मल से स्टीव थे, ज्यादा कुछ नहीं था, इससे मिलिए ये है स्टीव विदर। इसको समझा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सकता, ये भाई बड़ा सा स्टीव जो कि विदर की तरह दिखता है और अटैक भी भाई एकदम खतरनाक सा करता है। और ये लेवल 1 ही था, लेवल 2 में आप मैसिव स्टीव देखोगे जिसके अंदर स्टीव के ऊपर स्टीव चढ़ा हुआ है। ये वाला तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको तो बिल्कुल भी समझाया नहीं जा सकता। और आपने ब्लेज माइनक्राफ्ट में देखा है ना, लेकिन ये वाला आपने ब्लेज कभी नहीं देखा होगा। मतलब ब्लेज है जो कि स्टीव की शक्ल में और ये आग के गोले भी छोड़ता है। और आग के गोले से याद आया, यहाँ पे अपना घास स्टीव भी है जो कि भाई बड़े बड़े धमाके करता है। भाई इस वाले मोड से मेरा सिर तो चकरा चुका एकदम। तो माइनक्राफ्ट में कभी आपने अंधेरे फॉरेस्ट में ये वाली आवाज तो कभी ना कभी सुनी होगी, ये आवाज होती है अपने साइरन हेड की, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा सा होता है। इसके सिर पे दो ऐसे एंटीना लगे रहते हैं और अगर हमें डैमेज देता है तो हम एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। ये था बिल्कुल अपना नॉर्मल वाला साइरन हेड, जो कि आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप का साइरन हेड दिखाना चाहता हूँ। इसका नाम है नोट ब्लॉक हेड। बिल्कुल दिखने में साइरन हेड जैसा होता है, लेकिन इसके सिर पे यहाँ पे नोट ब्लॉक बंद रखे होते हैं। इसकी आवाज यहाँ पे काफी ज्यादा अलग है, लेकिन डैमेज तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक देता है। तो क्या आप भी ज़ॉम्बीज़ को मार मार के क्रॉप्स को कलेक्ट करते करते या फिर रोजमर्रा का काम करने से बिल्कुल थक चुके हो? रोजमर्रा का क्या ही हिंदी बोली मैंने, तो फालतू काम करके आप बिल्कुल थक चुके हैं तो आपको जाना चाहिए नेदर के अंदर। अब आप पूछोगे भाई नेदर के अंदर क्यों जाना है? अरे नेदर के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा एक मैजिकल हैंड, पास मत जाना भाई, घुसंडी धरता ये हैंड। अब आप दोबारा पूछोगे भाई इससे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एपिक चीज है। अगर आप एक कॉपर का हैंड लेते हो तो जो भी आसपास की फालतू चीज होता है ये उठा के अपने आप चेस्ट में रख देता है, या फिर अगर आप एक आयरन का हैंड बनाते हो तो मॉब से भाई खुद से फाइट करता है वो, और क्रीपर को तो भाई फाड़ देता है एकदम।
या फिर ये है अपना गोल्ड हैंड, जो भी क्रॉप उग जाती है उसको अपने आप से हटा देता है और अपने आप से सीड भी लगा देता है। फार्मर विलेजर तेरा अब तो काम खत्म। और फाइनली अपना डायमंड हैंड, केव में इसको लेके चले जाओ, जहाँ पे भी और देखेगी भाई उसी तरफ इशारा कर देगा और उसी तरफ जाके माइन करेगा तो आपको और भी मिल जाएगी सिंपली। वैसे इस मॉड का नाम तो मेज हैंड था और ये कभी कभी हैंड गुस्सा भी हो जाता है और पीटने लग जाते हैं। और हाँ गाइस, लास्ट वाली वीडियो के मैं कमेंट्स चेक कर रहा था और आप में से काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जय भाई मुझे कोई अर्निंग का सोर्स बताओ, मैं स्कूल कॉलेज या फिर जॉब में एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि मार्केट के अंदर एक न्यू गेमिंग कंपनी आई है जो कि MG और iTech Lab जैसी ट्रस्टेड सोर्सेज से वेरीफाइड है और इसमें रिवॉर्ड्स कमाना काफी ज्यादा सिंपल है। बस साइन अप करो और वेरिफिकेशन होते ही आपको 500 रुपीस मिल जाएंगे एज अ बोनस। तो अभी देखो मैं इसमें एक गेम खेल के दिखाता हूँ, टावर लेजेंड। बोनस में मिले 500 को मैं यूज करने वाला हूँ एंड वाव देखो 1000 हो चुके हैं। और अभी देखो मैजिक 1000 से मैं यहाँ पे लगा के 2000 बना दिए। अब मैं इस अमाउंट को विदड्रॉ करने जाऊंगा और ये देखो इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में ये अमाउंट आ चुका है। तो देखा आपने मैंने कितनी आसानी से बोनस में मिले 500 से 2000 कर दिए और अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिविड्रॉ भी कर दिए, वो भी सिर्फ मैंने यहाँ पे 5 मिनट स्पेंड करे हैं। तो आपको भी अपने दिन में से सिर्फ आधा घंटा निकालना है और आप इजिली 5-10 के कर सकते हो और ये ऑफर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड मिस्टर गेमर जरूर यूज करना जिससे आपकी विनिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम माइनक्राफ्ट के अंदर बोट ले जा सकते हैं या फिर हॉर्स का यूज करते हैं एंड अगर कुछ ना हो तो पैदल ही चले जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो मैं भाई रिक्शा ले लेता हूँ इधर उधर जाने के लिए। इसलिए भाई मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर भी एपिक वाले रिक्शा डाल दिए हैं। इन पर आप बैठ के कहीं भी जा सकते हैं, वो भी एकदम फुल स्पीड में। इवन दिखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया, 2-3 कलर अवेलेबल है इसमें। इससे आप बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े स्टंट भी मार सकते हैं, ड्रिफ्टे वगैरह लगा सकते हैं और अगर आपको कुछ काम भी करना तो वो भी इससे आप इजिली कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इससे आपको सामान इधर उधर ले जाना है वो भी आप इससे ले जा सकते हैं, या फिर किसी विलेज में से विलेजर को किडनैप करना है तो वो भी भाई इससे इजीली पॉसिबल है। आप इससे क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर घास की कटाई भी कर सकते हैं। रिक्शे के अलावा इस वाले मॉड के अंदर गाड़ियां भी है तगड़ी तगड़ी वाली, जैसे कि रेस कार जो कि भाई बहुत स्पीड में भागती है एंड इसके अंदर एक शॉपिंग कार्ट भी डाल रखी है पता नहीं क्यों, जिसके अंदर आप बैठ के पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो यहाँ पे। तो गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर हमने हेलीकॉप्टर चला रखा है, हमने माइनक्राफ्ट के अंदर तगड़े वाले प्लेन भी उड़ा रखे हैं, इवन हमने मस्त वाली गाड़ियां भी चलाई है माइनक्राफ्ट के अंदर। बट अभी मैं आपको यहाँ पे माइनक्राफ्ट में ट्रेन्स दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, इस मॉड में काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप की ट्रेन्स होती है जिसके अंदर आप बैठकर इसको चला भी सकते हैं। पटरियां कहाँ यार, ट्रेन अब हवा में थोड़ी ना उड़ेगी, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ट्रेन की पटरियां लगानी होगी। हम इस विलेज से इस घर तक यहाँ पे ट्रेन चलानी है तो सबसे पहले हमें काफी सारी मस्त वाली यहाँ पे पटरियां लगा देनी होगी एंड बीच में भाई यहाँ पे कोई भी मॉब है ना वो तो समझ लो खत्म ही हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ की पटरियां तो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब हम ये मस्त वाला रेड कलर का इंजन ले लेते हैं एंड अंदर से देखो भाई इंजन ये कितना ज्यादा मस्त है एंड इस इंजन के पीछे भी हम कुछ डब्बे लगाने वाले हैं एंड इसके अंदर भी आप जाके इजिली बैठ सकते हैं, काफी सारी सीटें लगा रखी है एंड अभी इस वाले इंजन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके फाइनली अपनी यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है एंड अब आप चाहो तो ट्रेन के अंदर भी बैठ सकते हो या फिर इंजन चला सकते हो, बहुत ज्यादा ही मजा आएगा एंड इसकी स्पीड भी देखो कितनी ज्यादा ही एपिक है, 2 मिनट में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। बाकी आपको ये वाला मॉड बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, अगले वाली मॉड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है एकदम नॉर्मल सा विलेज जहाँ पर काफी सारे विलेजर्स घूम रहे हैं, लेकिन ये कौन सा विलेजर है जो यहाँ पे गुब्बारे बेच रहा है? तो हाँ, मैंने एक ऐसा मॉड डाला है जिससे माइनक्राफ्ट में भाई बलून्स आ जाते हैं, वो भी रंग बिरंगे वाले। बट आप सोचो कि भाई बलून्स का माइनक्राफ्ट में भला क्या काम, लेकिन ये है बहुत ज्यादा ओपी वाले बलून। ये आपके दोस्त बन सकते हैं एंड कोई भी मॉब आएगा ना उस पे अटैक कर देंगे या फिर उनको पकड़ के ऊपर से नीचे गिरा देंगे, या तो आप इनको यार चेस्ट के ऊपर बांध दो एंड चेस्ट को ये हवा में उड़ा के ले जाएंगे और फिर इतनी ऊपर से तो भाई आपका सामान कोई चोरी कर ही नहीं सकता है। या फिर एक काम कर सकते हो, इन बलून को अपने एरोस पे लगा दो, अब जिसको भी एरो मारोगे ना बलून उसको ऊपर तक लेके जाएगा एंड वहीं से छोड़ देगा। एंड इवन यहाँ पे खतरनाक वाला बलून भी घूमता है जो कि आप पे सीधा अटैक कर देता है और ये ज़ॉम्बीज़ को लाके आपके पास भी छोड़ देता है, तो इससे तो बिल्कुल बच के रहना। और इसमें डोरीमोन वाला बैम्बोकॉप्टर भी है जो कि दिखने में काफी ज्यादा मस्त लगता है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि माइनक्राफ्ट कुछ ज्यादा ही पुराना टाइप गेम है, इसमें पेड़ तोड़ने के लिए अभी भी हमें एक्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन आपको भी मेरी तरह अगर माइनक्राफ्ट में कुछ नया चाहिए तो आपको इंस्टॉल करना चाहिए मैकेनिज्म मॉड। इस वाले मॉड में मस्त मस्त चीजें भरी पड़ी है, जैसे कि सबसे पहले ये अपना नॉर्मल सा पिकैक्स, मेरे को तो कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं लगता, लेकिन ये है एक इलेक्ट्रिक पिकैक्स और इसकी माइन करने की स्पीड कुछ ज्यादा ही है। चाहे सामने डायमंड आ जाए, स्टोन आ जाए, वुड लॉक्स आ जाए, सब कुछ यही तोड़ सकता है और किसी टूल की जरूरत ही नहीं है। और अगली है ये अपनी इलेक्ट्रिक बो, जब भी आप निशाना लेके मारोगे ना आग निकलेगी इसमें से। और आपको तो पता ही है माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम स्विमिंग करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन चला जाता है और हम मर भी जाते
जाते हैं, लेकिन अगर आप पहनोगे स्कूबा सूट तो आप घंटों ओशन के अंदर आराम से स्विमिंग कर सकते हो। और स्विमिंग वगैरह आप करके थक चुके हो और आपको आसमान में उड़ना है तो सीधा जंप सूट पहन लो, एकदम जेट पैक की तरह उड़ते हुए जाओगे। और इवन इस वाले मॉड में एक छोटा सा क्यूट सा रोबोट भी है जो आपके पीछे पीछे घूमता रहता है। इसके अंदर आप अपना सामान भी स्टोर कर सकते हो, उसको क्राफ्टिंग टेबल की तरह भी यूज कर सकते हो, और जब ये थक जाता तो अपने चार्जिंग स्टेशन पे वापस जाके चार्ज होने लग जाता है। और आखिरी में मैं बताता हूँ एकदम तगड़े से आर्मर के बारे में। तो ये आर्मर दिखने में तो आपको यार बहुत ज्यादा ही मस्त लग रहा होगा, अपना बंदा एकदम रोबोट जैसा बन जाता है। और ये है भी भाई बहुत ज्यादा पावरफुल, कितने भी धमाके हो जाए अपने बंदे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचता। तो देखो माइनक्राफ्ट के अंदर चलने के लिए हमारे पास बूट्स होते हैं काफी ज्यादा मस्त मस्त, पानी के अंदर जाने के लिए हमारे पास काफी सारी टाइप की बोट्स भी होती है, लेकिन उड़ने के लिए इलाइट्रा ये कुछ ज्यादा खास चीज नहीं लगी मेरे को। इसलिए पेश है आपके सामने उड़ने के लिए मस्त उड़न कटोले। जी हाँ, इनका नाम मैंने ही रखा है ऐसा। तो इसको बनाना यार बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ ऐसे ब्लॉक लगा के बीच में यार आपको बीकन लगा देना है एंड अब आप इसको बिल्कुल हवा में उड़ा सकते हो। देखने में तो ये काफी ज्यादा मस्त लगता ही है, और उड़ते वक्त भाई इसके पीछे से ऐसी लाइट भी निकलती है यार। और अगर आपको पिंक कलर कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है तो इवन आप इसमें बहुत सारे कलर भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कोल्ड्रन भी मंगा सकते हो और उसके अंदर उड़ सकते हो। और हाँ, ये सिर्फ उड़ने के काम नहीं आता, बल्कि इसमें बैठकर आप डायरेक्ट नेदर में टेलीपोर्ट हो सकते हो, या फिर आपका मन कर रहा है तो सीधा एंड डायमेंशन में भी जा सकते हो। वेल, आयरन गोलू वैसे तो यार काफी ज्यादा ही मस्त होते हैं, पूरे विलेज की रक्षा ये सिर्फ अकेले ही कर लेते हैं, लेकिन आजकल के मॉब्स यार और ज्यादा खतरनाक होने लग चुके हैं, आयरन गोलम को एक ही बारी में पेल देते हैं। इसलिए यार अब हमें आयरन गोलम को थोड़ा अपग्रेड करना बनता है यार। तो पेश है आपके सामने लेट आयरन गोलम। ये मस्त न्यू टाइप की गोलम्स है जो कि नॉर्मल वाले गोलम से थोड़े से ही अलग दिखते हैं। इनमें स्पीड भी यार काफी ज्यादा तगड़ी है, और इनको आप नई नई टाइप के स्वॉर्ड भी पकड़ा सकते हैं, एंड फिर जो ये मॉब को जाके पेलेंगे ना, देखकर आपको पक्का मजा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा तगड़ा और बड़ा मॉब आ जाता ना, तो आप इनको गन्स भी दे सकते हैं मस्त वाली, जो कि ओ माय गॉड कुछ ज्यादा एपिक दिखती है ये। अब ये मॉब्स को इतना ज्यादा तगड़ा वाला भून के रख देगा एकदम ही। और मेरी गारंटी है, इन खतरनाक गोलम्स के सामने कोई भी आप मॉब ला के रख दो, कितने भी मॉब ला के रख दो, सबको पेल देगा ये। और अगर ये मर भी जाता है बाय चांस, तो भाई इतना ज्यादा बड़ा धमाका करके जाता है ये। विलेज में लगा दो भाई दो तीन आयरन गोलम ऐसे, तो सारी रेड्स आप ही जीतोगे 100%। तो माइनक्राफ्ट के अंदर हम जब भी उछलते कूदते हैं या फिर भागते हैं तो हमारे प्लेयर को भूख लग जाती है, एंड खाने के लिए हमारे पास क्या है, ये सड़ी हुई चीज है। रियल लाइफ में तो लोग भाई मस्त पिज्जा वीजा खाते हैं, एंड पिज्जा तो यार मेरे को भी काफी ज्यादा पसंद है। इसलिए काम करते हैं, आज क्यों ना माइनक्राफ्ट के अंदर पिज्जा बनाया जाए। वेल, इस मॉड का नाम है पिज्जा क्राफ्ट। तो पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमें मस्त वाला शेफ के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ओह, एकदम ही मस्त लग रहा अपना बंदा। और ये टोपी भी तो पहननी पड़ेगी, एकदम प्रोफेशनल शेफ है हम। और ये है हमारी छोटी सी पिज्जा की शॉप, एंड अंदर से देखो भाई एकदम मस्त ही दिखती है ये। तो सबसे पहले पिज्जा बनाने के लिए हमें आटा गूंदना पड़ेगा यहाँ पे, और इस आटे को हम थोड़ा बेल भी लेते हैं। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे बेलन है। पिज्जा के ऊपर हम थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे और थोड़ा सा सॉस भी लगा देते हैं इसके ऊपर। ओहो भाई, कितना ज्यादा मस्त और टेस्टी दिख रहा है अपना पिज्जा। लेकिन अभी रुक जाओ, पिज्जा को हमें पहले पकाना भी पड़ेगा। ओके, बस अब ये जल ना जाए कहीं से। परफेक्ट, अपना पिज्जा यहाँ पे एकदम रेडी हो चुका है भाई। दिखने में कितना ज्यादा और कितना ज्यादा मस्त दिख रहा है। अब आप इस पिज्जा को इजीली खा भी सकते हो, या फिर आप इस पिज्जा से अपना बिजनेस भी बना सकते हो। देखो, अभी तक मैं शेफ था, एंड ये देखो मैं पिज्जा डिलीवरी वाला भी बन गया। एंड इस पिज्जा को मैं अपने डब्बे में डालूंगा एंड विलेजर्स के पास जाऊंगा भाई इसको बेचने के लिए। और विलेजर्स तो भाई ऑलरेडी भूखे रहते हैं, मस्त एमराल्ड कमा सकते हो इससे आप। और इन्हीं तगड़े मॉड्स के साथ इस वाली वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। और हाँ, इस वीडियो पे क्लिक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने माइनक्राफ्ट के कुछ डार्क सीक्रेट्स बताए जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है।